हे गाइस, मैं हूं आदित्य चौधरी, स्वागत करता है तुम्हारा भाई आरडीएस एंटरटेनमेंट पे। आज हमारे साथ है हे गाइस, मैं विक्की चौधरी, स्वागत करता हूं आपका आरडीएस एंटरटेनमेंट में। तो यार, हम दोनों ने मिलकर बहुत ही धमाकेदार वीडियो बनाने वाले हैं। पता है, भाई का रिलेशन जो टूटा था ना, उनकी बेस्ट, हमारी जो बेस्ट फ्रेंड थी ना, उसने तोड़वाया था। तो हम क्यों ना उसकी ना आज लेकर ना धर के लेके लेते हैं यार, ठीक है? तो उसको कॉल करते हैं और बुलाते हैं ना भाई, बुलाना पड़ेगा, ठीक है? फोन करते हैं। भाई तू निकल, मैं तुरंत फोन करूंगा, ठीक है? बस कॉल लगाते हैं। हेलो, समीक्षा कहाँ हूँ आप? हाँ, मैं यूएस पोलो के सामने हूँ। यूएस पोलो से देखो, बी ए, वो है ना कितने H&M की साइड से जो पार्किंग के लिए रास्ता जो जा रहा है। हाँ जी। तो मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, तो आप वहाँ पर आओ ना यार। इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, आपको फोन ही नहीं मिल रहा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो जल्दी आओ, ठीक है ना? मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ आपका। भाई वो आने वाली है थोड़ी देर में, ठीक है ना? A few moments later. वो आ रही है, देख कैमरा लगा उधर। हाय समीक्षा, कैसा चल रहा है? बढ़िया। आओ बैठो यार, और पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? हैं? आप बताओ। मेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, हर चीज़ बढ़िया चलती है मेरी तो। और घर में सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, मॉम डैड सब सही, आप बताइए। और गीतांजलि ठीक है? हाँ। भाई क्या कर रहे हैं आजकल? जॉब। किस चीज़ में लग गए वो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हमें तो कम से कम 1.5 साल हो गया अभी घर मिले हुए हैं। और विक्की भाई से बात हो रही? नहीं हो रही, इतनी नहीं हो रही। और सोनिका से? ठीक है, थोड़ी बहुत ही बात, थोड़ी बहुत ही बात ही है। तुम्हें पता चला है विक्की भाई का, कहते हैं शादी तय हो गई है। सोनिका से भी बात हुई थी कुछ दिन पहले, तो हमने बता दिया कि अब रिलेशन खराब हो चुका है वैसे ही पहले भी, और सोच रहे हैं कहते हैं अब शादी वादी तय कर दें उनकी। अच्छा। तो शादी वादी तय कर दी है, शादी में तो आओगे? टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से तुम बोल रहे हो वो हिसाब लग ही नहीं रहा। कहते आ जाएंगे, पहले तो तुम बोलते हाँ भाई जब बुलाएगा जब आ जाएंगे। सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। अच्छी बात है, बिजी क्यों नहीं होना चाहिए, हर चीज़ में बिजी होते हैं, दुनिया होती है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको फ़ोन कर रहा था, परसों ही फ़ोन कर रहा था आपको। तुमने कहा था हाँ थोड़ी देर में मिलती हूँ। तुम एक चीज बताओ, हम साथ बैठकर हर जगह जाते थे, खाना खाते थे हर जगह, और जिस पर ज़्यादा भरोसा होता है ना वो इंसान ना दिल तोड़े जाता है, मानती नहीं मानती हो? और वही चीज़ तुमने करी है, करी नहीं करी? मैं ही मानूं। हैं? मैं तो नहीं मानूं। क्यों नहीं मान रही होगी? एक चीज़ बताओ, जब सोनिका से तुम्हारी बात होती थी, ठीक है हमने मिलवा दिया उससे, तो तुम्हारा क्या जरूरत पड़ रही थी? तो उसे वो पिन पो रही हो, कहते हैं हाँ विक्की का रिलेशन चल रहा है कहीं और, वो ऑलरेडी कहते हैं कहीं और अटैच हो रहा है, ये बात तुमने क्यों कही? ये आपको पता कि मैंने ही कही है? हैं? आपको पता कि मैंने ही कही है? मेरे पास सारे सबूत भी हैं, ठीक है? समीक्षा एक चीज सुनो, एक चीज बताऊँ, तुम्हें ना बहुत अच्छा मानता था, मैं सोच रहा था चलो ठीक है यार, यार दोस्त हैं ठीक है, और लेकिन मुझे ना शक तो तुम पर पहले से होता था, कुछ ना कुछ कांड करती हो। लेकिन प्रूफ नहीं था ना उस टाइम, हरी बताऊँ तो मेरे भाई पता है कितना बेचारा, इतना सैड रहता है, घर वाले इतने परेशान रहते हैं उसके चक्कर में, पता है? हरी बताऊँ तो मुझे ये उम्मीद नहीं तुम ये चीज़ करोगी, तो अच्छा नहीं लगता ना यार। ये चीज़ बताओ ना, तुम एक दोस्त की तरह तो तुम दोस्त के पीछे पीठ पीछे छुरा घोंप रही हो। मुझे तो सही लगा, मुझे इतना कोई गलत नहीं लगा। तो क्या जरूरत पड़ रही तुम्हें, क्या किससे कही तुमने बताओ? हैं? क्यों कही? मुझे सही लगा। तुम्हें सही लगा? और मतलब दूसरे बंदे का रिलेशन खराब हो जाए तुम्हें अच्छा लगता है? पर वो जब ढंग का चली नहीं था तो तुम ठीक थी? तुम्हारे दो बॉयफ्रेंड ऑलरेडी चेंज हो गए, तुम ठीक थी? फिर बताओ तुम्हारे अंदर कमी थी फिर? मतलब मेरा नहीं सही थी, एक जगह गलत थी, मेरा चल रहा है तो मैं दूसरे में भी आग लगाऊं? यार ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आग लगाने के लिए मुझे जहां गलत लगा था मैंने वहीं किया। अच्छा, तुम्हें जहां अच्छा लगा तुम मतलब दूसरे बंदे को क्यों कर रहे हो फिर तुम? हकी बताओ ना, तुमसे ज्यादा दगाबाज इंसान नहीं देखा मैंने अपनी लाइफ में, हकी बता रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ तक मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूंगा, कहते हैं पता है मेरा भाई कितना परेशान होता है, मेरा दिल का टुकड़ा है वो, सही बताऊँ तो उसको संभालो फिर। किसको? भाई को संभालो, मतलब दूसरे में आग लगा के चले गई, अब संभाल लो हैं। वो बंदा पता कितना ट्रू लव करता था उससे, ठीक है? और जब अभी 2-3 दिन पहले वो मिली, पता क्या कहती है, कहते हैं हाँ ठीक है तुम अपना खुश रहो, अपना वो रहो, जहाँ तुम्हारी तय होगी शादी करो। लेकिन ये थोड़ी होता है यार, जो इंसान जिससे प्यार करता है ना, हमने तो शादी करने की तय कर लिया था, मगर ठीक है शादी हो जाएगी दोनों की,
लेकिन हमें क्या पता था, कहते हैं पीठ पीछे कोई विभीषण ही आ चुका है यहाँ पर, आग लगा रहा है। तो सोने को तो पहले उससे कंफर्म करना चाहिए था सारा, उससे पहले क्यों ज़ूम करके बैठा था। किससे? बंदी को, तुम्हारे भाई से। सारा क्लियर करना चाहिए था। विक्की भाई का तुम नेचर जानती हो ना, कैसा था? बहुत अच्छा। जहाँ भी जाते थे हम साथ बैठ के, कहीं भी गए, कभी बिल पे करने में वो कभी पीछे नहीं हटता था। लेकिन तुम तो पता नहीं क्या कर रहे हो यार, इतना भरोसा करते, तुम ये भरोसा नहीं था तुम ऐसा करोगी, सच बता रहा हूँ। और तुमसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता इसी मारे, सच बताऊँ तो यार ये उम्मीद नहीं थी तुम ऐसा करोगी। वैसे क्या मिल गया तुम्हें एक सब करके बताओ ना, कुछ मिला? खाली बुराइयों के अलावा कुछ मिल जाए ना तो मैं गारंटी बता रहा हूँ। और तुम्हारे फ्रेंड्स लोग ही तुम्हारी बुराई करते सबसे ज़्यादा, क्या उसको लेके क्यों जाते? तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना, तुम्हें फ़र्क पड़ेगा ही नहीं क्योंकि तुम वेली अब घूम रही हो। फर्क तो जब पड़ता है ना, कहते हाँ इंसान अच्छा हो कोई भी हो, और तुम आराम से घूम रही हो। लेकिन विक्की भाई भी आ रहे हैं, मैं फ़ोन कर रहा हूँ एक बार, ठीक है ना? वो तुमसे कुछ बातें के लिए करना चाह रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाया था, मैं फ़ोन कर ले रहा हूँ एक बार। भाई कहाँ पर हैं? आ जाओ, वो आइए समीक्षा, आइए आ जाओ, कुछ बात कर ले, मैंने बैठा रखा है यहाँ पर, आ जाओ। तो यहाँ पर एच एन एम की पार्किंग के पास बैठा हो, चला जाओ। वैसे भी तुमने अब क्लियर ही कर दिया, हाथ आग तो तुमने लगाई है ना। ठीक है मान लो, तो मुझे सही लगाओ। सही क्या लगा, एक चीज बताऊँ ना तुम्हें यार, ये थोड़ी होता, कहते तुम कहीं भी आओ और भाई बैठ जा, आ जा और जा ले। भाई समीक्षा ने क्लियर कर दिया, कहते हाँ मैंने आग लगाई थी। जो सोनी का जो तेरा वो झगड़ा वगड़ा चल रहा था, यही तो आग लगा रही है, और बताना यही तो आग लगा रही थी, ये तेरी सेटिंग कहीं और चल रही है, ये बता रही है। और क्या मतलब जो मैं उसे बोल रही थी, हाँ, कि एक लड़कियों के साथ तुम अपना तुम्हारा और भी कहीं अफेयर है, हाँ, बात करते हो, मेरी कॉल अवॉइड करते हो। हाँ यार तुम्हें अच्छा एक दोस्त मानते थे, सही बता। नहीं लगा यार, तो मैं नहीं, नहीं एक बात बताओ, वो मेरे साथ ठीक थी, मेरे साथ उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट था, मेरे से बात करती थी, मुझसे प्यार करती, तुम्हें पता था मैं उससे बहुत प्यार करता था। मुझे लग रहा है कि उसको कोई वो बेटर डिजर्व करती है। यार एक बात बताओ, तुम फ्रेंड मेरी थी कि उसकी थी? नहीं एज ए गर्ल छोड़ो, आप फ्रेंड तो मेरी थी ना, मिलवाया तो मेरे भाई ने था यार, मैंने तो आपको मिलवाया था उससे, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया यार? मुझे सही लगा जो क्या सही लगा मतलब नहीं एक बात बताओ, एज ए गर्ल आपने उसको बोल दिया जो कुछ आपको सही लगा, क्योंकि फ्रेंड तो मेरी थी, बचपन से हम साथ रहे थे, क्लासमेट थे, तो ये सही लगा आपको कि मेरे को आपने मतलब उससे अलग करके, और पूरे टाइम पे मैं रोता रहता था तो मुझे देखती रहती थी और चुप भी कराती थी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, लड़की थी ऐसी थी, छोड़ो यार तुमसे ज्यादा गंदा इंसान नहीं है। सॉरी, अब सॉरी से क्या होगा ये बताओ ना। सॉरी बोल दिया, वो मुझे छोड़ के चली गई, आपकी सॉरी से वापस आ जाएगी? फिर क्या खुश है यार, वो कुछ भी खुश नहीं है, उसने सारी चीज क्लियर करी और तुम्हारा नाम बताया उसने। उससे मैं मिला था, उसने भी मेरे को ये नहीं बताया, आपका नाम नहीं लिया उसने? अभी लिया भाई लिया, उसने मेरे को फोन करके बोल रखी, बोला था हाँ। लेकिन मेरे से सिर्फ उसने यही बोला कि तुम्हारा रिलेशन अदर गर्ल्स के साथ भी था, तुम बात करते थे ठीक है ना, मेरी कॉल अवॉइड करते थे, लेकिन मैंने उसको सब कुछ क्लियर किया, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार थी नहीं, ठीक है ना, करने वाले इसका मतलब तुम ही थे ना सब कुछ, तो अच्छा किया। सॉरी से क्या है यार, समझो समझो यार, सॉरी से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगी? एक बात बताओ, रिलेशन में जिस तरीके से हम थे उससे मैं प्यार करता था ठीक है, पता था, मैंने आपको ये बताया था कि समीक्षा मैं इससे शादी करूंगा, ये भी पता था, मैं उसको अपनी फैमिली से मिलवा के भी लाया था आपके सामने, फिर क्या ड्रामा था भाई, क्यों इस तरीके से किया यार? क्या क्लियर कर दो, आप जाके उसको बोलो ना फिर कि मैं जो कुछ मैंने बोला मैंने गलत बोला। छोड़ ना भाई, रहने दे यार, ये लड़की सही वैसी भी नहीं है, मैंने पहले बोला था लड़की ठीक नहीं है, सही में आग यार लगा लड़की क्या यार, आदि क्या बोलूं यार, फ्रेंड थी, बहन की तरह मानता था यार इसको। छोड़ ना, वही तो बात है, मैंने पहले बोला था लड़की सही भी नहीं है, मेरे घर पे आप आती थी, सब कुछ मम्मी से मिलवाया, कभी भी इस तरीके से, कभी भी कोई भी फेस्टिवल होता था, रक्षाबंधन होता था, राखी बांधती थी ना, भाई मानती थी ना मेरे को, तो फिर क्यों किया मेरे साथ यार? किस मेरी लाइफ खराब नहीं, एक बताओ मैं किस तरीके से खराब था, कोई मेरे अंदर ऐब था क्या? फिर किस चीज से तुमने आग लगाई? किसी और लड़की से मिलता था क्या? फिर किस बात पे आपने ऐसा किया यार, बता दो। लाइफ खराब करके उसको मुझसे अलग करके कुछ मिला, कुछ बेटर रिजल्ट मिला? फिर दिस इज नॉट फेयर यार, सॉरी से क्या होगा यार, क्या हुआ यार, समझो सॉरी से कुछ नहीं होने वाला यार, आप बता दो मैं क्या करूं, करूं का मतलब कुछ नहीं, सब चीज खराब हो गई ना यार, क्यों किया, क्या लगा आपको ऐसा, क्या आपने शुरुआत में जाके यहाँ की बात वहाँ पे करने लगी, वो भी गलत, बताओ मैं जाके सब सॉर्ट आउट कर दूँ।
कुछ नहीं कर पाओगे यार तुम जब से अब उस भाई की शादी पे तय हो गई है। क्या कर पाओगी, मेरा रिश्ता दूसरी जगह तय हो चुका है ऑलरेडी। अब मैं किसी और लड़की की जिंदगी मैं नहीं खराब कर सकता ना, बताओ। जहाँ मेरा रिश्ता तय हो गया है, मेरी शादी होने वाली है, लड़की की जिंदगी में खराब कर दूं? अब मजबूरी करनी पड़ रही है, शादी भी करनी पड़ेगी मेरे को। लेकिन जो मेरा प्यार था वो तो तुमने मेरे साथ कमाई दिया ना। भाग यार इसे यहाँ से, जाओ यार, मत खराब करवा मेरा, ठीक है ना? मैं इसमें मारमूर उड़ दूंगा इसमें। जाओ। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और यार हम तो यार आग लगाने आए थे, प्रैंक करने आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। उसने तो खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैंने आग लगाई थी। तो हम यार भाई आए ना, एक्सेप्ट हम यूँ कराते हैं अच्छे अच्छों से। और भाई का चैनल है RDS एंटरटेनमेंट, तुम्हारे भाई का चैनल तो है ही भाई है, ठीक है? तो एंटरटेनमेंट करते रहो, लव यू ऑल, जय हिंद।